2021 से बनकर तैयार एमआरएफ सेंटर संचालन का अब तक इंतजार, पूर्व अध्यक्ष के पद चिन्हों पर वर्तमान भी, इसीलिए हम कहते हैं अध्यक्ष तो बदले पर निजाम नहीं बदला। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिस। गोपी एन सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पालिका की अदूरदर्शिता या लापरवाही से जनता को समय पर उनका लाभ नहीं मिल पाता, जिसका उदाहरण नगर पालिका परिषद में वर्ष 2021 में बने 33 लाख की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एमआरएफ सेंटर है। सरकार और शासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए सभी नगर पालिका क्षेत्रों में इन्हें बनवाने के निर्देश दिए थे। जिले के 5 नगर पंचायतों में ज्ञानपुर, सूर्यावा, घुसियाँ, नई बाजार, खमरिया में एमआरएफ सेंटर का संचालन किया जा रहा है, परंतु नगर पालिका परिषद गोपीगंज में 2021 से सेंटर बनकर खड़ा है पर संचालन नहीं हो सका है, जबकि नगर पालिका द्वारा कागजी कोरम बराबर पूरा किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा खरीदी गई जमीन पर प्रतिदिन लगभग 20 टन कूड़ा निकलने की वजह से भर गया है। हालत यह हो गई है कि कूड़ों का पहाड़ बन जाने और कूड़ों के दबाव से बाउंड्री टूट जाने से दूसरों के खेतों में कूड़ा जा रहा है, और सफाई कर्मियों का कहना है कि कभी कभी खेत के मालिकों से झड़प भी हो जाती है। हालत यह है कि रोड के किनारे कूड़ों को रखा जाता है, वहाँ हर जगह में भीषण दुर्गंध बनी रहती है, जो न केवल राहगीरों को परेशान करती है बल्कि इस अव्यवस्था से शासन के स्वच्छता अभियान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने कूड़ों के निस्तारण के लिए सारे संसाधन मुहैया करा दिए हैं तो पालिका उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही है? सरकार के राजस्व की क्षति क्यों कर रही है? वहीं बताते चले, जानकारी के अनुसार टेंडर निकाला गया है, परंतु शासी अधिकारी के मेडिकल पर चले जाने की वजह से टेंडर हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। आपको बताते चले, एमआरएफ सेंटर से क्या लाभ है? प्रतिदिन बड़ी मात्रा में एकत्र होने वाले कचरे के निस्तारण के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत हर नगर पालिका व नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पहुँचने वाले कूड़े से सूखे और गीले कचरे को अलग कर सूखे कचरे से प्लास्टिक, लोहा, रोड़ा तथा अन्य तरह के कबाड़ को अलग एकत्रित कर उसकी बिक्री कर दी जाती है। वहीं गीले कचरे से जैविक खाद भी तैयार किया जाता है। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल।